दोस्तों आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये वीडियो यूट्यूब पर कई सारी आपको मिल जाएंगे। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर वो ट्रिक आपको यूट्यूब पर कई सारी मिल तो जाएगी दोस्तों, बट यहाँ पर आपको उसे रिमाइंडर में करा रहा हूँ और यहाँ पर उस ट्रिक का आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। यहाँ पर वो ट्रिक आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, वीडियो में बता देते हैं आपको कि क्या क्या करना है, कौन सी टिप्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों। आप गूगल या क्रोम का यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ें आप सर्च करते हैं तो वो हिस्ट्री में आकर ऐड हो जाती है, सर्च हिस्ट्री में आकर ऐड हो जाती है। गूगल के पास सारा डेटा आपका होता है कि आपने क्या सर्च किया, क्या देखा, यूट्यूब पर क्या देखा है, क्या नहीं देखा है, वो टोटली डेटा गूगल के पास होता है दोस्तों। तो उस डेटा को आपको मतलब लेस करने के लिए, उसे वहाँ से डिलीट करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम अभिषेक शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निकल एबी। आज की इस वीडियो में कुछ खास बताऊँगा दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आते ही मैं आपको बता दूँ, जो भी आप सर्च करते हैं, सर्च करने पर आपकी जो सारी डेटा है वो उनके हिस्ट्री पर ऐड हो जाती है, गूगल की हिस्ट्री पर ऐड हो जाती है। आपको अगर बता दूँ, जैसे कि हम यहाँ पर सर्च हिस्ट्री में जाते हैं, सर्च हिस्ट्री में, तो यहाँ पर वो सारे डेटा हमारे इंक्लूड रहेंगे जो हमने देखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कई सारे, मैंने मैच का देखा है या आईजी फॉलोअर्स का देखा है, कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको जो टाइमिंग का चाहिए वो टाइमिंग का यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों, पूरे साल का। जब से आप यूट्यूब चला रहे हैं, जब से आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, जब से आप गूगल को यूज़ कर रहे हैं, तब का डेटा यहाँ पर इंक्लूड आपको मिलेगा। आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सर्च किया है, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं अपने इन डेटा को। तो सबसे पहले आपको हम गूगल का बताते हैं, उसके बाद हम क्रोम पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो रीसेंट का जो ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये जो रीसेंट का ऑप्शन है यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो जो हमने देखा है वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिससे कि आप यहाँ पर उसे भी यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि ऐसे हटाना है आपको, इस प्रकार से हटा देना है। ऐसे हटाएंगे तो आपका जो ये है ये अब दोबारा शो नहीं होगा दोस्तों, इस तरह से आपको हटा देना है। अब हमें सेकंड ऑप्शन ये है कि जब भी आप यहाँ पर लोगों पे आपको क्लिक करना, लोगों पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च हिस्ट्री पे आएंगे। तो सर्च हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या क्या देखा है, पिछले साल में क्या क्या देखा है, पिछले टाइम में क्या देखा है, या फिर एक घंटे में क्या देखा, आधे घंटे में क्या देखा, पाँच मिनट में आपने क्या क्या देखा है, वो सब आपको यहाँ पर शो होगा। तो उसे डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल से एक बटन दिया गया है, ये जो बटन है यहाँ पर आपको जाके क्लिक करना है, ये बटन पर क्लिक करना है। अब ये बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन और जनरेट होंगे। यहाँ पर इस बटन पर हम क्लिक करते तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डिलीट टूडे का ऑप्शन आएगा, डिलीट कस्टम रेंज का ऑप्शन आएगा, डिलीट ऑल टाइम दिया गया है और ऑटो डिलीट दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप डे टू डे आकर डिलीट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको ऑटो डिलीट का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टाइमिंग भी आपको दिया गया है कि कब से कब तक आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पर ऑटो टाइम का जो ऑप्शन है उसे आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर हम उसे ऑन कर देंगे तो ऑटो डिलीट का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा एंड जो भी आप सर्च करेंगे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। एंड दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर जो डिलीट टुडे का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डिलीट टुडे का आप जो भी आज के दिन आपने जो देखा है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिलीट का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आज का पूरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर वन डे डिलीटेड, यहाँ पर एक दिन का डेटा हमारा डिलीट हो गया है। अब हम आते हैं गूगल क्रोम पर। हम क्रोम पर आए, क्रोम पर आने के बाद गाइस यहाँ पर जो आपको ऑप्शन जो जनरेट हो रहा है यहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है। अब हमने तीन डॉट पर जाकर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो हमें ओपन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे, सेटिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है
यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर हम जाके क्लिक कर देते हैं। एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सर्च इंजन है, पासवर्ड वगैरह, पेमेंट है, एड्रेस है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेफ्टी चेक है, नोटिफिकेशन है और थीम है। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है। आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं अपने एक नए पेज पर। इस नए पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन दिया गया है, क्लियर ब्राउजिंग डेटा का दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर जाकर क्लिक कर देते हैं। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे जो ऑप्शन हैं आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेटा जो है, ये पूरा डेटा आपको शो होगा। यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है, बेसिक और एडवांस दिया गया है, टाइम रेंज दिया है, लास्ट आवर दिया है, ब्राउजिंग हिस्ट्री दिया गया है, कुकीज़ एंड साइट डेटा दिया है, कैच इमेज एंड फाइल। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर सर्च किया था, जो आपने यहाँ पर देखा है, वो सारी डेटा यहाँ पर आपके सेव हो जाती है। तो इन डेटा को आपको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लास्ट जो आवर दिया गया, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लास्ट आवर का दिया गया, लास्ट 24 आवर का दिया गया, लास्ट 7 डे का दिया है और लास्ट 4 वीक का दिया है। चार हफ्ता का, 7 दिन का, 24 घंटे का, 1 घंटे का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर ऑल टाइम का दिया है। आपने जब से यहाँ पर गूगल यूज़ करना स्टार्ट किया वो टाइम का भी यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको उसे डिलीट करना है तो। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर हमें लास्ट ओवर का डेटा अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर हम इसे क्लियर डेटा पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर youtube.com IGFloor एंड क्लिकबस एंड एक्स वीडियो एंड ऑफिशियल यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्लियर डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डेटा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारा डेटा क्लियर। हम वापस आएंगे तो यहाँ पर एडवांस का जो ऑप्शन है वहाँ पर हम जाएंगे। एडवांस के ऑप्शन पर हम जाएंगे तो यहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर कुकीज साइट डेटा गया है, डेटा दिया गया है, अनकैच इमेज एंड फाइल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 1009 आइटम हमने सर्च किए हैं। यहाँ पर कुकिंग एंड साइट डेटा दिया गया 740, 93.8 MB का फाइल है हमारा जो यहाँ पर इंक्लूड होता है, जो भी हम डाउनलोड करते हैं वो चीज़ें। यहाँ पर ये सब डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर डेटा का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लियर का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको सबमिट करना है। यहाँ पर क्लियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टोटली जो आपका डेटा है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आगे से कोई भी यहाँ पर डेटा आपका शो नहीं होगा। जब भी यहाँ पर आप डेटा कुछ भी सर्च करते हैं यहाँ से आप आकर डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और साथ ही साथ प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें हमारे चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में जो बेल आइकन उसे भी दबा लें, जिससे कि आपको नई नई ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे।